shut his head. I was. Diga. तो जोर से बोला. मैंने एक नोटिस में बाहर था और इसे बाहर था मैं कल सुबह आया. Diga. Hello. मैंने का नोटिस मुझे आया हुआ था क्वेश्चन के लिए. तो कल बराबर 11 बजे में एक 5 मिनट पहले ही मैं के आदमी लग गया. मुझे मालूम नहीं था कि मुझे किस लिए बुलाया गया है. मुझे पता भी नहीं था इस बात का. और वो सारी मनगढ़ंत कहानियाँ जो हैं कई लोगों ने मीडिया पे चलाई तो मैं उसको खत्म करता हूँ. क्योंकि पता होने से पहले ही इतना बड़ा बातें की गई जो थी नहीं. तो न मुझे मालूम था इस बात का. 160 का नोटिस बुलाया जाता और क्वेश्चनिंग क्या मसला है. जब मैं अंदर गया तो मुझे पूछा गया वहाँ पे ये जो है किश्तवाड़ में दो कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ हैं, इंदरवाल है और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक मिलिटेंट काफ़ी अरसे का लगभग 25-30 साल का जहांगीर उसने नाम मोहम्मद उसका नाम जो पहले था मोहम्मद अमीन भट्ट. और मोहम्मद अमीन भट्ट को कोड रखा हुआ था उसने जहांगीर. 2014-15 तक जितनी भी कागजी कार्रवाई है या उसके एड्रेस जो है वो जहांगीर के नाम से बोला जाता है. 2014 के बाद उसको पता नहीं किसने किस साजिश के सिस्टम से उसको सुरूरी लगाया गया. फिर जहांगीर सुरूरी बताया गया. हमारी जात तो अलिया सुरूरी है. तो जब सुरूरी लगाया गया उसके साथ अब क्योंकि वो रहता है रहने वाला जो है वो बहदाद विलेज का रहने वाला जो द्रावशाला के ऊपर है बहुत सारे लोग जानते हैं आप में से. और वो इलाका सुरूर का जो है सुरूर का इलाका है 10 पंचायतों पे मुश्तमिल है. और 10 पंचायतों पे मुश्तमिल होने उस एरिया का नाम सुरूर है. और वो उसी सुरूर के इलाके में रहने वाला है. हमारा घर जो है ओरिजिनल वो सरतल में है सरतल देवी के साथ ऊपर. हमारा सुरूर से कोई लेना देना नहीं है. ना हमारा घर वहाँ पे है ना हम रहते वहाँ पे हैं. और हम किश्तवाड़ में माइग्रेट हुए जब मिलिटेंसी ज़्यादा हुई थी 92 के बाद 93 के बाद. तो उसके बाद हम किश्तवाड़ में अखियाराबाद में रहते हैं जो नेशनल है ये जो NHPC को रोड जाता है उसका नाम अखियाराबाद है. वार्ड नंबर 3 कोई सुरूरी मेला नहीं. तो जहाँ ये जहांगीर की बात है कि हमारा न कोई वो रिश्तेदार है न वो सुरूरी है. वो मोहम्मद अमीन भट्ट के नाम से पुकारे जो मुझे पूछा गया. और न हमार न उसके मुतलक हम जानते हैं कुछ न उसको ज़िंदगी में देखा है. हमने 20 साल मैंने ये रहा में इस सियासत में हमने हमेशा कंडम किया है. और अब जो किश्तवाड़ के हालात हुए उन हालात में मैं पहला शख्स हूँ. बहुत से मीडिया वाले यहाँ होंगे. मैंने कहा कि इसकी इन सब चीज़ों की इंक्वायरी जो राइट्स 8 में हुआ जो 14 में हुआ मैंने उस दिन से भी कहा कि उसके बाज़ाबता NIE इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाए. ऐसा इतना ही मैंने इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि ये जो बाहर मनगढ़ंत कहानियाँ बना के पेश की गई थी मुझे सिर्फ और सिर्फ ये पूछा गया इस बारे में कि भाई मोहम्मद अमीन भट्ट है अब सुरूरी उसने उसको किसने लगाया साथ में. ना वो सुरूरी है ना सुरूरी किसी खानदान से ताल्लुक रखता है ना हमने उस कभी हमने देखा है ना हम कभी उससे मिले हैं और ना हमारा कोई लेन देन कोई वास्ता है उसके साथ. इतने पॉइंट जो थे. और ख़ास करके मुझे दुनिया जानती है मैं एक सेकुलर लीडर हूँ सेकुलर पार्टी का लीडर हूँ. मुझे किसी के से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है. आवाम जानती है मुझे वहाँ के लोग जानते हैं मुझे उनसे दरियाफ़त किया जाए. 2014 में अगर ये जी कहते हैं कि
2014 से 15 से 16 से नहीं 2001 से 2020 तक मैं एमएलए रहा हूँ और आज तक मुझे कोई इल्ज़ाम नहीं लगे और आज कहाँ से आए और ये सरूरी का नाम बजाय खुद किस तरह उसके साथ जुड़ाया गया उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमारा कोई ताल्लुक लेन देन किसी के साथ और इसके अलावा मुझे कोई पता नहीं ना पूछा गया और ना मैं इसके अलावा कुछ कह सकता हूँ। अगर किसी को इसके अलावा कोई और जानकारी देनी है वो आप उससे पूछ सकते हैं क्योंकि कोई पॉलिटिकल मसला नहीं है कि मैं उसको सियासी तौर पे आपके सामने कोई चीज़ बताऊँ। मैं स्पेसिफिक इतनी चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मुझसे पूछा गया जिसका जवाब मैं थैंक यू मुझे एक चीज़ बताइए NIA ने मुझे एलिगेशन तो कोई दिया नहीं। उन्होंने मुझे 160 का नोटिस भेजा सिंपल। मैं मुझे मालूम नहीं कि 160 का उन्होंने 300 लोगों को अभी तक बुक दिया ना क्वेश्चनिंग के लिए। मैं MLA हूँ वहाँ का, मैं वहाँ मुझे प्रोमिनेंट सिटीजन हूँ वहाँ का, मुझे तो 10 बार कोई भी पूछ सकता है, मुझे 10 बार भी पूछेंगे 10 बार जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने कल वहाँ पे ये दिया, आज मैं शायद वो डॉक्यूमेंट जो मैंने बताना था जो नहीं दस्तखत करके देना, कोई चोरी छुपी की बात तो नहीं है ना। लिहाजा अगर और कोई जानकारी आपको करनी होगी तो आप उनसे कर सकते हैं। मैं झूठ मत बोलता हूँ अपनी सफाई तो नहीं देता हूँ। लिहाजा मैं एक सेकुलर लीडर हूँ, हिंदुस्तान के आइन को तस्लीम करता हूँ और हमारे इस मुल्क में जमहूरियत और एक नेशनलिस्ट इंसान हूँ और एक प्रमिनेंट सिटीज़न हूँ और हमने मेरे निर्मल देश पांडे के साथ काम किया है, मैंने सुनील दत्त के साथ काम किया है, मैंने अखंडता और एकता के लिए काम किया अपने एरिया में और मेरी वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों से आप दरियाबत कर सकते हैं। मैं 3 बार मिनिस्टर रहा हूँ और मेरा बेटा आज सियासत कर रहा है आगे, मेरी तब 18 साल उम्र है अब सफेद दाढ़ी और आदमी ये चीज़ें करो और किसी का नाम सरूरी जुड़ाया जाए तो वो मेरा रिश्तेदार हो गया यार। वो बट है, आप मेरी बात पर मत जाइए, आप इतना जाइए डॉक्यूमेंट निकालिए 2014 तक पुलिस स्टेशनों में उसकी कागजों में क्या लिखा हुआ है। 2014 के बाद वो सरूरी कैसे बना? जात किसी की चेंज हो सकती है? ये जात कैसे चेंज होगी? इलाका सरूर है, ये आपका मैं चेहरा है, ये वहाँ रहता है उसी इलाके सरूर के इलाके में, कोतवाला में रहते हैं ना आपको मालूम है क्या वो सरूरी है? नहीं है। ये आपका बंदा आपको जवाब दे रहा है, एक मीडिया का पर्सन है, अगर गलत है पूछे आप इससे सवाल करिए। वो बट है, मोहम्मद अमीन बट, ही रेजिडेंट ऑफ बादा जिले और कभी हमने न देखा है न बात की है न सुना है न कभी हमारे घर आए न कोई लेन देन है। थैंक यू बहुत बहुत।